हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिवामेट के पीएच टेस्टिंग किट के बारे में, जो कि हमें ये आइडेंटिफाई करेगी कि जो भी सोप या हम अपने फेस और अपनी बॉडी पर यूज करते हैं उसका पीएच हमारी फेस और हमारी बॉडी के लिए आइडियल है या नहीं है। साथ साथ मैं आपको इस पीएच टेस्ट किट का लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीएच आखिर होता क्या है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये बेसिकली एक स्केल होता है जो कि मेजर करता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो बेसिकली जो एक आइडियल पीएच होता है, एक सेफ पीएच माना जाता है हमारी स्किन और हमारी बॉडी के लिए, वो होता है 4.75 से 5.5 के बीच में। पीएच 7 हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो सोप है वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का मतलब है ना ही वो ज्यादा एल्कलिक है और ना ही वो ज्यादा एसिडिक है, बट वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, अगेन क्योंकि वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। अगर आपका पीएच 7 से ज्यादा है तो वो एल्कलाइन नेचर का है, और अगर आपका पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर का है। सो गाइस, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पीएच स्केल होता है उसकी कौन सी साइड हमारी स्किन के लिए अच्छी मानी जाती है, क्या वो एसिडिक मानी जाती है या वो न्यूट्रल मानी जाती है या फिर वो बेसिक मानी जाती है। देखिए, मैं अगर आपको इस स्केल में दिखाऊं, दिख रहे हैं ना, इस स्केल में दिखाऊं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पीएच 7 हमें दिया है, पीएच 7 एक न्यूट्रल पीएच है जो कि वाटर का पीएच माना जाता है। पीएच 7 से नीचे जितना भी पीएच है, जैसे पीएच 5 है, पीएच 6 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, पीएच 7 से जितना भी नीचे के पीएच है वो सारे हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, और पीएच 7 से जितने भी ऊपर के होते हैं जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, वो सारे हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि एल्कलाइन या बेसिक नेचर का पीएच कौन सा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7 से अबव का जो भी जितना भी पीएच होता है, जैसे 8, 9 उससे अबव का, वो सारे एल्कलाइन या बेसिक नेचर का होता है। अगर हमारी स्किन का जो पीएच है वो अगर एल्कलाइन नेचर का है, या हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, तो वो ड्राई स्किन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी स्किन को एक्सेस ड्राई करेगा। ड्राई करने की वजह से आपकी स्किन में का जो नेचुरल ऑयल होगा उसे भी ये स्ट्रिप आउट करेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन में रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और आपकी स्किन एक्स्ट्रा फ्लेकी हो जाएगी, और साथ साथ आपकी स्किन से हाइड्रेशन का भी लॉस हो जाएगा। लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए बिल्कुल भी 7 से ज्यादा पीएच अच्छा नहीं माना जाता, और ना ही दूसरी स्किन टाइप्स के लिए भी इतना अच्छा माना जाता है। गाइस, जो स्किन का जो एसिडिक पीएच होता है जो कि 7 से कम होता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और आइडियल और सूटेबल माना जाता है, क्योंकि जैसे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी जो स्किन का पीएच होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिडिक होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी स्किन का जो एसिडिक पीएच है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसी स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और जिन लोगों की स्किन का पीएच जो एसिडिक पीएच होता है वो मेंटेन रहता है, जो कम नहीं होता, उनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो गाइस, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी स्किन के पीएच लेवल को कैसे मेंटेन कर रख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा जेंटल क्लेंजर यूज करना चाहिए अपने फेस के लिए, जिसका पीएच 5.5 हो या 5.5 से कम हो, मीन्स 4.75 से 5.5 के बीच में हो, आपको इस तरीके के जेंटल क्लेंजर्स यूज करने चाहिए। सेकेंड, आपको अपनी स्किन को प्रॉपर एक्सफोलिएट करना चाहिए ताकि आपकी जो डेड स्किन की लेयर है वो हट जाए, जिसकी वजह से आपकी स्किन की जो न्यू लेयर है वो अच्छी तरीके से ब्रीथ कर पाए और आपके सेल्स भी अच्छी तरीके से जनरेट कर पाए। और थर्ड, मैं बोलूंगा आप हमेशा ऐसे क्लेंजर्स के लिए जाए जो ज्यादा एसिडिक नेचर के हो, क्योंकि जितना ज्यादा एसिडिक नेचर का क्लेंजर आप यूज करोगे उतना ही आपको राहत मिलेगी आपके पोर्स को अनब्लॉक करने में, आपको एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में। साथ ही साथ जो एसिडिक नेचर के क्लेंजर्स होते हैं उसमें हाई अमाउंट में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से आपके फाइन लाइंस, एक्ने, रिंकल्स और एज स्पॉट्स भी हटेंगे। जितने भी लोगों की स्किन ड्राई है उन लोगों को तो बिल्कुल भी बेसिक नेचर के क्लेंजर्स या प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए, अगर उन्हें अपनी ड्राई स्किन को बचाना है तो। और अगर आपको अपनी स्किन को ग्लोइंग, हेल्दी, फॉर्मर और रेडिएंट और यूजफुल बनाए रखना है, तब भी आप एसिडिक नेचर का ही क्लेंजर यूज करो, ना कि न्यूट्रल या बेसिक नेचर का। यूजिंग सिवामेट सोप सिंस 1 month और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आप इजिली डायरेक्टली वहां पर जाकर देख सकते हो।
तो चलिए गाइस, अब हम इस सीवामेट के पीएच टेस्टिंग किट का डेमो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथ अच्छी तरीके से वॉश कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको इस किट को यूज़ करना है। अभी तक मैंने इसको बॉक्स को खोला नहीं है। सबसे पहले इस एनवलप के अंदर आपको कुछ इस तरीके का कर्टेन मिलता है, जिसमें सीवामेट ने क्लियरली दिखा रखा है कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें फॉलो कर कर आपको पीएच को चेक करना है। सो गाइज, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, ये पीएच स्केल जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अब मैं इस पीएच स्केल के हिसाब से आपको टेस्ट में जो रिजल्ट आया वो मैच करके दिखाता हूँ। सो गाइज, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, मैंने कुछ सोप्स को यहाँ पर लिया है जो कि मेरे घर पर इजीली अवेलेबल थे, और मैंने उन सोप्स के ऊपर लिटमस पेपर को 20 सेकेंड के लिए रख दिया है, जैसे कि डायरेक्शंस मुझे दी गई थी उस हिसाब से रखा है। और जैसे कि आप सब लोग खुद ही अपने आंखों से देख सकते हो, लिटमस पेपर का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो डव का जो कलर, लिटमस पेपर का कलर है, वो थोड़ा स्लाइटली डार्क ग्रीन से हल्का सा कम है। इसका मतलब जो डव का पीएच है वो 7.8 मैं मान सकता हूँ। तो जो गलतफहमी एचयूएल ने आप लोगों के दिमाग में क्रिएट करी है एड्स में, ये बोल के कि डव का पीएच 7 है, बिल्कुल 7 नहीं है, 7 से काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, जैसा कि इस ग्राफ में भी दिया हुआ है। अगर मैं ये ग्राफ और यहाँ पे लगाऊं तो इतना 7 से 7.8 के बीच में इसका पीएच जैसा कि मुझे दिख रहा है। जो सेकेंड सोप मेरे पास है वो है लाइफ बॉय का। ये भी बहुत ज़्यादा बादिंग के लिए यूज़ करा जाता है इंडियन हाउसेज में। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, इसका जो पीएच है लिटमस पेपर में वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर का आया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें इसका पीएच कुछ इस तरीके का आया है, तो मैं मान सकता हूँ कि लाइफ बॉय का जो पीएच है वो पीएच 8 है, क्योंकि डार्क ग्रीन कलर का है। डार्क ग्रीन कलर का पीएच होने का मतलब है 7 से ज़्यादा पीएच है, जिसका मतलब ये सोप भी अगेन एल्कलाइन नेचर का है। एल्कलाइन नेचर का होने का मतलब है ये सोप भी आपकी स्किन को एक्सेस ड्राई करेगा, आपके नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप आउट करेगा, और ड्राई स्किन के लोगों के लिए अगेन अच्छा नहीं माना जाता है। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो तीसरा सोप है वो गोदरेज का सोप है। ये गोदरेज नंबर 1 सोप है, जिसको आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसके टीवी कमर्शियल देखकर। तो आप इसका भी पीएच देख सकते हो कि इसका भी पीएच 8 से ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो कलर है वो 8 से थोड़ा ज़्यादा में गया है, हल्का सा ब्लूइश टिंट है इसमें। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इसका पीएच 8.5 है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन नेचर का है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारी स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा हार्श है। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, अब मेरे पास है चौथा सोप डिटॉल। डिटॉल का जो पीएच है वो थोड़ा स्लाइटली पैरेट ग्रीन कलर का है, कुछ इस तरीके के कलर का है हल्का सा, और इसमें भी इन दोनों के बीच में आ रखा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डिटॉल का जो पीएच है वो 7.5 है, और 7.5 पीएच होने का मतलब है कि अगेन ये स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट होगा, पर जेंटल तो मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगा। पांचवा सोप है हमारे पास संतूर का, जिसमें हल्दी और चंदन के गुण समाये हुए हैं। इसमें ऐसे हल्दी और चंदन के गुण समाये हैं कि इसका जो, जब मैंने इसमें लिटमस पेपर लगाया तो उसका कलर डार्क ब्लू ही हो गया। ब्लू होने का मतलब है इसका जो पीएच है, जिसके आप यहाँ देख सकते हो, कुछ इस तरीके के कलर का हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि संतूर का जो पीएच है वो 9 है, और 9 होने का मतलब है ये बहुत 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 हार्श और बहुत 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 ड्राइंग है हमारी स्किन के लिए, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। अब हमारे पास आता है छठे नंबर पे सीवामेट का सोप, जो कि किंग ऑफ द मार्केट बन गया है आजकल की डेट पे। तो आप देख सकते हो, मैंने सीवामेट पे भी लिटमस पेपर लगाया है और कोई पार्शियलिटी नहीं करी है। आप देख सकते हो सीवामेट के लिटमस पेपर का कलर कुछ इस तरीके का हुआ है। तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि सीवामेट का जो पीएच है वो 5.5 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर मैं मैच करूँ तो कलर्स को मैच करूँ तो 5.5 है, जो कि बहुत ज़्यादा आइडियल, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है हमारी स्किन के लिए। और अगर एसिडिक है तो जितने भी लोग एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, या उनके स्किन में फाइन लाइन्स, रिंकल्स, एज स्पॉट्स हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, उनकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कि आप सब लोग देख सकते हो, मेरे पास डिटर्ज सोप है जिससे हम कपड़े धोते हैं, जो कि रिन है। उसका पीएच भी ऑलमोस्ट 9 पीएच के बराबर आ रहा है, 8 और 9 पीएच के बीच में लैग कर रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि जो रिन है वो भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में एल्कलाइन है, बेसिक नेचर का है, तो अगेन बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा हमारी स्किन को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे, बहुत ज़्यादा हार्श है। तो अगर आप लोग ये सारे सोप्स यूज़ करते हो, जैसे संतूर, डेटॉल, डव, लाइफ बॉय, गोदरेज,
पीएच का नंबर वन। तो अगर आप ये सारे सोप यूज करते हो तो आप इन सारे सोप में पैसे खर्च करने से अच्छा आप एक कपड़े धोने वाला साबुन ही ले लीजिए, इससे आप कपड़े भी धो पाओगे और अपना मुंह भी आप इसी से धो लीजिए, क्योंकि इसका और इन सब का पीएच एक ही बराबर है, तो आपको डबल डबल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेकर। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी और वीडियो भी देखें, वो सारी रिव्यू रिलेटेड नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोज हैं। और साथ साथ अगर आपको सारी वीडियोज अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब लगते चलता हूँ, टिल देन टेक केयर।